रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। और इस बीच दिल्ली से कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर भी है। दिल्ली में अब कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया था, जिसके शुरुआती नतीजे सकारात्मक हैं। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में उन मरीजों के ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है जो ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके मरीजों का एंटीबॉडी तत्व बीमार मरीज के शरीर में डाला जाता है। ब्लड प्लाज्मा बीमार मरीज की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो ट्रायल दिल्ली सरकार ने शुरू किए उसके नतीजे सकारात्मक दिखे, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो मरीज बीमार हैं उन्हें उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में मरीजों के ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है जो ठीक हो चुके हैं, यानी उनके शरीर में जो एंटीबॉडी तत्व मौजूद रहे हैं उनका इस्तेमाल अब जो नए संक्रमित और बीमार लोग हैं उनसे बचाव के लिए किया जाएगा। जो कोरोना की लड़ाई लड़ करके सर्वाइव करके आए हैं, ये सर्वाइवर्स सेवियर कैसे बन सकते हैं, माने जो अन्य लोग हैं जो इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसे मरीज उनकी मदद ये कैसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमारी ऐसी संख्या 3-4 है तो ऐसे में हम लोग देखिए जो 3-4 की संख्या 3-4% तो हमारे जो बाकी बचे हुए 90-95% मरीज हैं वो ठीक होके जा रहे हैं, तो ये बड़ी संख्या है। इनमें से जिनके टाइटर बेहतर हैं उनका और मैचिंग करके हम लोग इस प्लाज्मा को इनमें देते हैं और सही समय पे देते हैं, माने जब तक कि उसके फेफड़े डैमेज ना हो गए हों, मरीज के वेंटिलेटर बनाया गया हो उससे पहले अगर हम लोगों ने पहचान करके दे दिया तो निश्चित ही इसके बहुत सकारात्मक और बेहतर परिणाम मिलेंगे, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है और एक गेम चेंजर की तरह से ये काम कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।